अब ये हो चुकी है एम्ब्रॉयडरी, ऑल डन। सो देखिए, वैसे मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत ख़राब है पर कोशिश करने में क्या जाता है। ओके तो चलिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा होगा कि जो ये मैंने एम्ब्रॉयडरी किया है, ये रिखू है। और वैसे रिखू किसे कहते हैं? रिखू जो है हमारी जो डिमासा मेखलाओं में डिज़ाइंस और मोटिव्स होते हैं तो उसे रिखू कहते हैं। जो इस पार्ट, ये जो ये पार्ट है तो इसे हम रिखू कहते हैं। तो ये वाला, बेसिकली ये वाला रिखू जो है मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी पे ट्राई किया है। वैसे मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत ख़राब है फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे मोबाइल के लिए कवर चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि रिखू जो है मोटिफ या डिज़ाइन को कहते हैं हम, जो तो ये रिगू का रिखू है। और मैं बता दूं कि इस सभी रिखू का अलग अलग नाम होता है। तो ये वाला सबसे नीचे वाला पार्ट का रिखू का नाम है दिलाम। सो दिलाम थाईपुआ, और ये इसे कहते हैं हम फ्रापांग। बट फ्रापांग जो है ये मैंने फुल बनाया है। इसे मोस्टली हफ भी बनाते हैं और इसमें भी बहुत वैरायटीज़ है। बट ये वाला जो फ्रापांग है, इसका जो रेड पार्ट है या फिर ब्लैक पार्ट है, ये डाउनवर्ड होना था, इसके ऑपोजिट होना था, पर मैंने इसे इस तरह से बनाया था, थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो यही है। और ये वाला बेसिकली इसका नाम है फ्रापांग, इसका नाम है दिलम, और इसका नाम है रुईनाशा। और जो ये जो होते हैं, जो प्लेन फैब्रिक पे जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम कहते हैं फुटा वाला है, रिशलाई फुटा है। तो यही हमारे दिमासा रिगू के रिखू के नाम या फिर डिज़ाइंस के नाम। और जो एक एक डिज़ाइन के बाद हमें ऐसे ब्लैक या फिर रेड ऐसे देना पड़ता है। इस वाले मोबाइल के लिए मुझे कवर चाहिए था, तो कुछ अलग सा चाहिए था, तो मैंने फ़ोन पे क्रॉस स्टिच डिज़ाइन वो सब करके देखे तो उतना पसंद नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एम्ब्रॉयडरी ट्राई करूँ हमारी जो दिमासा रिखू है उसे। तो ये जो है ये सुपर इजी है। मैंने यहाँ पे मोस्टली चेन स्टिच दिए हैं। चेन स्टिच तो वैसे सभी को आता है आजकल, तो बहुत ही सिंपल है, आप भी ट्राई करिए। और 4 दिन लगे हैं इसे स्टिच करने में, और दिन में मैं लगभग आधा या 1 घंटा ही इस पर स्पेंड करती हूँ टाइम। तो अभी ये हो चुकी है और इसी पे लगाना है। मैंने ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी चाहिए था। तो ये इस तरह से उभर के आएगी, कलर्स जो है इसमें ऐसे उभर के आएगी। तो सो या ये डन है। चलो इसको काटते हैं और लगा के देखते हैं कैसे होता है। चलो इसे खोलते हैं अब। तो ये मैं फ्रेम में ऐसे यहाँ रख देती हूँ, और तो ये बन चुकी है इस तरह से। तो मैं इसके मैं काटती हूँ इसे अभी। ये कैमरा के लिए है कटआउट। तो ये है उल्टी तरफ और ये सीधी, तो मुझे ये सीधी दिखानी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ। ये मैंने रख दी, मैंने यहाँ पे रख दी, और ठीक है इसे फिक्स करते हैं पहले। सो देखिए ये यहाँ पे फिट हो चुकी है। तो साइड से देखिए इसकी व्यू, साइड से
ये यहाँ तक ही आती है। कैसी लगी आपको ये मेरी एम्ब्रॉयडरी और ये डिज़ाइन? अभी मैं सोच रही हूँ कि जो ये वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया वो थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो मैं उसे खोलती हूँ अभी। उसके बिना भी अच्छी लगेगी शायद। खोलती हूँ। अभी बेहतर लग रहे हैं। और आप भी बताएं कि कैसे लग रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये सुपर इजी है और सिर्फ मैक्सिमम मैंने इसमें चेन स्टिच और रनिंग स्टिच दी है। आप भी ट्राई करिए। अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हैं और इसी रिखू के स्टाइल में, और आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ज़रूर मुझे भी टैग करिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। हाँ, आप भी कर सकते हैं। कुछ ही दिन लगते हैं और दिन में आधा घंटा या एक घंटा ही मैंने स्पेंड किया है इस पर, तो आप वो देखिए। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सी वाली एम्ब्रॉयडरी चूज़ करूँ डिज़ाइंस के लिए, और यहाँ मैंने रिखू के अकॉर्डिंगली कलर्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड स्काई ब्लू। कि कितना बड़ा एम्ब्रॉयडरी करना है वो मैं यहाँ पे नाप रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये निचली वाली पार्ट का जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका उसको बनाना है, तो उसके लिए मैं ब्लैक कलर थ्रेड ले रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लाइन बना रही हूँ ब्लैक वाला डिज़ाइन देने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन, ये वाला एम्ब्रॉयडरी दूंगी और इसे कहते हैं रोमानियन क्राउचिंग। सो यही डिज़ाइन मैं ब्लैक वाले में दूंगी, लेकिन आप चाहे तो चेन स्टिच भी दे सकते हैं यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे रोमानियन क्राउचिंग वाला चूज़ किया है, रोमानियन क्राउचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ चेन स्टिच भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन हो चुकी है। यही सेम प्रोसेस हमें बार बार करते रहना है। तो ये सेकेंड लाइन शुरू हो रही है। तो जितना चौड़ा हमें डिज़ाइन चाहिए, तो उतनी बार ही हमें अप डाउन ऐसे ही डिज़ाइन करते जाना है। मुझे तो एम्ब्रॉयडरी उतनी अच्छी आती नहीं, पर जिसे भी एम्ब्रॉयडरी अच्छी तरह से आती होगी, जो एक्सपर्ट होगी, वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से बना पाएगी, बहुत सुंदर से उभर के आएगी डिज़ाइंस। तो सेकेंड लाइन भी हो चुकी है, तो इस तरह से कंटिन्यू करते जाना है।
तो सबसे पहले वाला डिज़ाइन हो चुका है, ब्लैक वाला पार्ट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरा वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से, जिसे हम कहते हैं दिलाम। तो अभी वो वाला दिलाम पहले मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो रेड और येलो वाला पार्ट, डिज़ाइन वाला पार्ट मैं कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं दिलाम बठाई। तो वो वाला शुरू कर रही हूँ अभी। यहाँ मैं रनिंग स्टिच यूज़ कर रही हूँ। तो पहला वाला हो चुका है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही रेड कलर के पांच बन चुके हैं। अब मैं शुरू करूँगी येलो वाला पार्ट। येलो भी 5 नंबर्स के हैं, तो वही करूँगी, अभी वही कर रही हूँ। तो अब येलो पार्ट भी हो चुकी है। यहाँ पे मैं अभी फिर से ब्लैक ले रही हूँ, क्योंकि उसका जो लाइन बनाना है, पहले वाले डिज़ाइन का लाइन बनाना है। तो ये पहला वाला लाइन हो चुका है यहाँ पे, तो इस तरह से हुआ है। और मुझे दूसरी साइड से भी देना है अभी। तो पूरी तरह ये बॉक्स की तरह दिखेगा, और बाद में इसे साइड साइड में लाइंस भी देना है, तो वो भी करूँगी। यहाँ पे बीच पे लाइन दे रही हूँ, यहाँ पे चेन स्टिच यूज़ हो रहा है। और इसी तरह से दोनों साइड से ये लाइंस बन चुकी है। तो साइड्स की डिज़ाइन रेडी है, पर अभी जो बीच का वाला डिज़ाइन है उसमें फिलिंग करना है। और ये रेड और येलो के बीच में मुझे और दूसरा कलर भी देना है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहला नीचे वाला डिज़ाइन ऑलमोस्ट हो रहा है, बस फीलिंग देना है, और बीच में ग्रीन वाला पार्ट का डिज़ाइन देना है। तो आज मुझे यहाँ पे इस खाली जगह पे फिलअप करना है ऑल ब्लैक चेन स्टिच ही है। जब मैं बचपन में थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करती थी, बस चेन तो एक राउंड हो चुकी है, देखिए। तो ये साइड से हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भी ग्रीन है। अभी मैं तो यहाँ इस तरफ से जाऊंगी, इस तरफ से।
तो ये दिलाम डिज़ाइन रेडी है और यहाँ मैं दूसरे वाले डिज़ाइन के लिए नाप ले रही हूँ और ड्रॉ भी करूँगी। पेंसिल से ड्रॉ किया है और अभी मैं शुरू कर रही हूँ नापांग। फिर से चेन स्टिच अभी मैं इस येलो वाला पोर्शन का फिलअप करूँगी यहाँ पे। यहाँ मैं दिलाम वाले डिज़ाइन का जो रेड वाला और येलो वाला पार्ट है उसे फिर से स्टिच कर रही हूँ क्योंकि वो इवन नहीं था, तो कोई छोटा तो कोई बड़ा था, तो उसे मैं समान कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ तो अभी ये ठीक है, पहले से बेहतर है। तो अभी मैं इसके अंदर दूंगी ये वाला स्काई ब्लू कलर। तक हो चुका है और मुझे अभी बाकी बनाना है जो यहाँ से ऐसे डाल निकलते हैं वो वाला बनाना है। मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप्स स्किप करके दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, 2 घंटा तक हो गया था। तो मैं यहाँ पे बहुत सोच समझ के जो भी इम्पोर्टेंट है वही दे रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ 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 और यहाँ इस ऑरेंज को फाइनली ये दूसरी वाली डिज़ाइन भी तैयार है। अभी मैं ये वाला लगाने वाली हूँ यहाँ पे। अभी Thank you.
तो ये वाला भी रेडी है। अभी मैं ऊपर का, सबसे ऊपर का वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये है एम्ब्रॉयडर्ड रिखुदिमा मेरे मोबाइल फ़ोन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यस, सी यू, बाय।